क्या आप बिरूने मुल्क जाने का इरादा रखते हैं या बाहर सफ़र करने का सोच रहे हैं तो आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि आपको बहुत सा पेपर वर्क करना पड़ेगा, एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि हेनरी एंड पार्टनर्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने दुनिया भर के पासपोर्ट्स को रैंक किया है, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 100 पर है और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 5 बदतरीन पासपोर्ट्स में होता है। हेनली एंड पार्टनर्स नामी फर्म दुनिया में पासपोर्ट्स को रैंक करने का इख्तियार रखती है। इसकी लिस्ट में तकरीबन 199 मुल्क शामिल हैं। आज हम तरीका जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए पासपोर्ट्स को रैंक किया जाता है। अगर किसी एक मुल्क का पासपोर्ट होल्डर दूसरे मुल्क में बगैर वीजा लिए दाखिल हो सकता है तो उस सूरत में वीजा देने वाले मुल्क को एक स्कोर दिया जाता है। इस सूरत हाल में वीजा ऑन अराइवल यानी दूसरे मुल्क पहुंचकर वीजा हासिल करना, परमिट हासिल करना और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी यानी ETA का वीजा शामिल है, जिसमें रवानगी से कबल हुकूमत से वीजा लेना जरूरी नहीं होता। अगर किसी दूसरे मुल्क में जाने से पहले किसी मुल्क के पासपोर्ट होल्डर को उस मुल्क की हुकूमत से मंजूर शुदा इलेक्ट्रॉनिक वीजा यानी E-वीजा दरकार हो तो उस सूरत में वीजा देने वाले मुल्क को 0 स्कोर दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी पासपोर्ट होल्डर को वीजा ऑन अराइवल से कबल उस मुल्क की हुकूमत से मंजूरी लेना पड़े तो उस सूरत में वीजा देने वाले मुल्क को 0 स्कोर दिया जाता है, क्योंकि इस सिस्टम को वीजा फ्री तसव्वुर नहीं किया जाता। दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में 5 ममालिक शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला नाम सिंगापुर का है, दूसरा नाम जर्मनी का है, तीसरा नाम इटली का है, चौथा नाम स्पेन का है और 5वां नाम ऑस्ट्रिया का है। बदतरीन पासपोर्ट वाले 5 ममालिक में नाम पाकिस्तान का भी आता है, उसके अलावा अफगानिस्तान, शाम, इराक और यमन भी शामिल है। फोर्ब्स वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 100 नंबर पर है और पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट के साथ दुनिया में 33 ममालिक में बगैर वीजा के जा सकते हैं। और इसी तरह अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की रैंकिंग 80 नंबर पर है। और इसी हवाले से मजीद वीडियोस देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।